जितनी भी बेटियां हैं उनको पूछना, पूजा ही मेरे पास खड़ी है, पूजा आप बताइए आपको सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर है? पापा। कोई भी तकलीफ आए तो आप सबसे पहले किसका नाम लेती? पापा। कहीं आपको ठोकर लग जाती है और कहीं बाजार में जाती हो, कॉलेज जाती हो, कोई ऑफिस हो, अगर जॉब करती हो या कुछ पे भी, कहीं भी कोई मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहले चेहरा किसका नजर आता है? पापा। दुनिया के हर पुरुष के अंदर कौन सा ऐसा पुरुष है जिसके सामने एक लड़की, एक बेटी, एक स्त्री सबसे ज्यादा सिक्योर महसूस करती? पापा। केवल पापा। केवल ये एक वो शब्द है कि जहां बेटी पिता की जिंदगी की आखिरी औरत होती है, बेटी एक पुरुष के जीवन की आखिरी स्त्री होती है, क्योंकि जब बेटी जिसके घर में आ जाती है ना, फिर वहां फुल स्टॉप हो जाता है उसके जीवन में। बेटी का मतलब होता है माँ का वापस आना। आज पूजा आपको वैसे ही ट्रीट करती होगी जैसे दादी करती है, जैसे दादी आपको डांटती है ना, वैसे ही ये बेटियां आपको डांटती हैं। ये ट्रीट करने का जो तरीका है ना, ये एक माँ होता है, क्योंकि एक बेटी के अंदर माँ होती है, एक बेटी के अंदर जन्म से माँ होती है। आप देखिए, एक छोटी सी बच्ची को आप एक गुड़िया दे दीजिए, वो क्या करेगी? बहुत प्रेम से खिलाएगी, बाल बनाएगी, बिंदी लगाएगी, तैयार करेगी। और एक लड़के को छोटी गुड़िया दे दीजिए, वो क्या करेगा? हाथ तोड़ देगा, पांव की जगह हाथ लगा देगा, मुंडी घुमा देगा। ये यानी एक ममता, एक करुणा का भाव है, वो बेटी में जन्मजात होता है। आज इन बेटियों के लिए कहूंगी कि जैसा कि पूजा ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा किया जा सकता है, आज पूरे गांव की यहाँ बेटियां हैं। मैं एक गांव की तरफ से सर निवेदन करूं, वड़ील बैठे हैं सर, यहाँ मैं एक निवेदन करूं सब बेटियों को, जो भी हमारी यंगस्टर बेटियां हैं, एक बात मैं बेटियों को जरूर कहूंगी कि बेटा पिता का मान है, लेकिन बेटी पिता का स्वाभिमान है। बेटा पिता का मान है केवल, लेकिन बेटी पिता का स्वाभिमान है। जीवन में कभी कोई ऐसा काम मत करिएगा कि आपके पिता को जीवन में समाज के सामने सर झुका कर चलना पड़े, क्योंकि वो उनके लिए हजार मौत मरने जैसा होगा, हजार मौत। आजकल मैंने देखा है शहरों में लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के, हमारे अच्छे घरों की लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के उसको फैशन का नाम देती है, लेकिन मैं कहूंगी कि तन पर लिबास की कमी अजीब लगती है, तन पे लिबास की कमी अजीब लगती है, और मुझे अमीर बाप की बेटी भी गरीब लगती है। ये भाव है, इसलिए आज चाहूंगी कि एक पापा के लिए, एक मैंने मेरे पापा के लिए गाना लिखा है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, मुझे समझ में नहीं आया पापा के लिए क्या लिखूं, तो मैंने लिख दिया। सब मेरे साथ लाइन गाएंगे, चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, धरती का धीरज पापा, अंबर से ऊंची पापा, और भैया मेरे लिए पापा तो मेरे भगवान है, पापा से एक बेटी की बात बता देती हूँ, फिर इस गीत को हम पूरा